जोशीमठ में लोक निर्माण विभाग का आज से ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो गया है, जिससे कि पहले सरकारी भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, साथ ही जेसीबी की मदद से गेस्ट हाउस को ध्वस्त करने का काम भी किया जा रहा है। आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत भूधसाव के कारण दो अन्य क्षतिग्रस्त होटल कॉमेंट होटल व स्नो क्रेस्ट को भी खाली कराया गया है। इससे पहले होटल माउंट व्यू और मलारी इन को डिसमेंटल किए जाने का कार्य आठवें दिन भी आज जारी है और इसी के साथ अन्य दो होटल को भी फिलहाल खाली कराया गया है। जोशीमठ उत्तराखंड का आपको बता दें कि आज से ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो शुरू किया गया है। सरकारी भवनों को ध्वस्त इस समय किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जोशीमठ के अंदर फिलहाल ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार जारी है। जेसीबी से टूटेगा लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस, इसी के साथ दरारें बढ़ने के बाद खाली होटलों के ध्वस्तीकरण का काम भी इस समय शुरू कर दिया गया है। जेसीबी के माध्यम से आपको बता दें ये पूरा कार्य किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो जोशीमठ में इस समय चल रही है। दो होटल्स पर मलारी इन और माउंट व्यू पर पहले ही जो ध्वस्तीकरण का कार्य है वो किया जा रहा है। इसी के साथ खतरे को देखते हुए दो और होटल्स को फिलहाल खाली कराया गया है और आप देखिए किस तरीके से जेसीबी की मदद से जो पूरा ध्वस्तीकरण का कार्य है इस समय वो चल रहा है और साथ ही जहां जहां पर खतरा ज्यादा बढ़ रहा है वहां वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और उसके बाद ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो वहां पर हो रहा है।